प्रणाम करती हूँ आप सभी लोगों को। और जो मैं प्रियांशु वासल की मम्मी हैं, मृत्युंजय की माँ हैं, बुआ जी हैं, सभी लोग हैं, सबको नमन करती हूँ। बहुत अच्छे संस्कार उन्होंने दिए हैं अपने बच्चों को। मैंने मृत्युंजय और प्रियांशु से सबसे यही कहा कि जहाँ पर भी मेरी आवश्यकता हो, तन मन धन तीनों तरीके से हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम कभी सम्मेलन करो, कुछ भी कार्यक्रम करो, अगर हमारा कोई कार्यक्रम भी आज के दिन लगा होता तो शायद वो भी हमें छोड़ के आना पड़ता। और क्योंकि एक बेटा वैसे भी नहीं आ सका जिसका नाम तो डाल रखा था मृत्युंजय ने, और बहुत प्रयास किया उसने लेकिन नहीं आ सका। मैं कुछ जैसे एक समय की बाध्यता है, 5-6 मिनट में अपना काव्य पाठ करती हूँ। बहुत से बच्चे हैं, इन बच्चों को सुनने का बड़ा अवसर मिला, बड़ी खुशी होती है कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे रचनाकार तैयार हुए हैं। भाई साहब बैठे हुए हैं, राजकिशोर जी, इतनी मतलब व्यस्तता होने के बावजूद भी वो बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं चाहती हूँ एक बार आप लोग भाई साहब राजकिशोर जी के सम्मान में तालियां बजा दीजिए, उनके आने से बड़ा हौसला मिला बच्चों को। और यही उनसे प्रार्थना करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि वो इन बच्चों का जब भी वो बुलाएं तो वो अपना समय दे दिया करें, अगर कोई बहुत आवश्यक कार्य ना हो, ताकि बच्चे आगे काम कर सकें। 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। ये जो पुलवामा के शहीदों के लिए हुआ है कार्यक्रम, मैं उन शहीदों को नमन करती हूँ अपनी इन 4 पंक्तियों से, सुनिएगा। भारत के दिलों में बसा जिनका ही नाम है, भारत के दिलों में बसा जिनका ही नाम है, मंदिर है उनका देश पूरा विश्व धाम है, मंदिर है उनका देश पूरा विश्व धाम है, इस देश के लिए ही जो बलिदान हो गए, इस देश के लिए ही जो बलिदान हो गए, ऐसे शहीदों को मेरा शत शत प्रणाम है, शहीदों को मेरा शत शत प्रणाम है। और 4 पंक्ति मेरी बहन आई, बड़ा सम्मान किया आदरणीय अमिता जी ने। और 4 पंक्तियाँ, ये जो पुलवामा हमला हुआ उसके बाद में कुछ लोगों को बड़ा आक्रोश था कि सब लोग कह रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी से आप ये कर दीजिए वो करिए, उन्होंने किया, क्या किया, 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। माननीय मोदी जी ने क्या किया था सुनिएगा, कुछ ही दिनों बाद 26 तारीख को ये एयरस्ट्राइक हुआ, ये पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। हर बातचीत वार्ता को रोक दिया है, हर बातचीत वार्ता को रोक दिया है, MiG-21 मिराज को भी झोंक दिया है, MiG-21 मिराज को भी झोंक दिया है, उन वीर शहीदों को अब तो न्याय मिला है, उन वीर शहीदों को अब तो न्याय मिला है, सारे ही उग्रवादियों को ठोक दिया है, सारे ही उग्रवादियों को ठोक दिया है। और लोगों ने बड़ा प्रश्न भी उठाए, वो लोग कौन थे जिन्होंने बड़े सबूत मांगे कि वो पुलवामा वो एयर स्ट्राइक हुआ ही नहीं, और उनका नतीजा तो खैर आप लोग देख ही चुके जिन लोगों ने दिल्ली में सबूत मांगे थे। एक क्षण उनके लिए पढ़ती हूँ कौन थे वो लोग, कविता की भाषा से सुनिएगा। कि गोलियां रहा है दाग सीमा पर शत्रु आज कुछ बुद्धिमान बोलियां ही दागने लगे, कि गोलियां रहा है दाग सीमा पर शत्रु आज कुछ बुद्धिमान बोलियां ही दागने लगे, मानवीर सैनिकों ने देश का बढ़ाया किंतु कुछ स्वाभिमान सूलियों पे टांगने लगे, और ऐसे निर्लज्ज शत्रु भक्त सिर्फ वोट है तो, ऐसे निर्लज्ज शत्रु भक्त सिर्फ वोट है तो पीछे पीछे पाक के निकष्ट भागने लगे, और मांग नहीं पाए निज माँ से बाप का सबूत, मांग नहीं पाए निज माँ से बाप का सबूत, वही आज सेना से सबूत मांगने लगे, वही आज सेना से सबूत मांगने लगे। और सबूत मांगने वाले कौन लोग हैं, एक मुक्तक और पढ़ती हूँ। लोगों ने कहा कि वो मोदी जी की सरकार चली जाएगी, योगी की सरकार चली जाएगी, वो क्यों नहीं जाएगी, सुनिएगा। 4 पंक्तियाँ और पढ़ती हूँ। उन्होंने जब सबूत मांगा, सेना पर प्रश्न उठाए, वो कौन नेता है सुनिए। नेताओं को बुद्धि नहीं आ सकती है, नेताओं को बुद्धि नहीं आ सकती है, अंध विरोधी सोच देश खा सकती है, अंध विरोधी सोच देश खा सकती है, अय्यर सिद्धू और दिग्विजय जब तक है, अय्यर सिद्धू और दिग्विजय जब तक है, मोदी की सरकार जा सकती
जिंदाबाद। सरकार नहीं जा सकती है, सोच खा सकती है। और मोदी की सरकार क्यों नहीं जा सकती है, एक तर्क और रखती हूँ, और वो तर्क आप लोगों ने देखा भी होगा, पांच साल में कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा, आप लोग जो देख रहे हैं जो हुआ है वही हमने भी लिखा, सुनिएगा। आतंकों की नस्ल नहीं पल सकती है, आतंकों की नस्ल नहीं पल सकती है, देशद्रोह की दाल नहीं गल सकती है, देशद्रोह की दाल नहीं गल सकती है। जब तक भारत की गद्दी पर मोदी है, जब तक भारत की गद्दी पर मोदी है, गद्दारों की चाल नहीं चल सकती है, गद्दारों की चाल नहीं चल सकती है, आतंकों की नस्ल नहीं पल सकती है। और अभी देखा कि जो हमारे सामने बहुत से बेटे हैं, मातृशक्ति है हमारी, कुछ बहनें बैठी हैं, दो छंद अपनी बहनों के लिए पढ़ती हूँ, सुनिएगा, और एक अपने बेटों के लिए भी वो छंद पढ़ूंगी, एक मुक्तक पढ़ूंगी, सुनिए क्या है हमारे देश की बेटियां, आदरणीय अमिता जी बैठी हुई हैं, सुनिए। कि जीवन की पोर पोर डोर थामनी है, कैसे ये बिना पढ़ाए पढ़ सकती हैं बेटियां, कि जीवन की पोर पोर डोर थामनी है, कैसे ये बिना पढ़ाए पढ़ सकती हैं बेटियां, और आसमान की ऊंचाइयों को नाप सकती हैं, शैलराट पे भी चढ़ सकती हैं बेटियां, आसमान की ऊंचाइयों को नाप सकती हैं, शैलराट पे भी चढ़ सकती हैं बेटियां, और कोमल कपोल कमनी है जैसी लगती है, कोमल कपोल कमनी है जैसी लगती है, यमराज से भी लड़ सकती है बेटियां, कोमल कपोल कमनी है जैसी लगती है, यमराज से भी लड़ सकती है बेटियां। बेटी और बेटों में न फर्क करिएगा आप, बेटी और बेटों में न फर्क करिएगा आप, बेटों से भी आगे बढ़ सकती है, बढ़ सकती है बेटियां। आपकी लड़की को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। हमारे देश की एक अभिनेत्री जिसने अपने बेटे का कुछ नाम रखा, मुझे उस नाम से बड़ी आपत्ति हुई, क्योंकि नाम का असर काम पर पड़ता है। हालांकि अब तो योगी जी को अगर पता चल जाता है तो वो नाम बदल देते हैं। मैंने जैसे अपने बच्चे का नाम विख्यात रखा तो विख्यात हुआ, कुख्यात रखती तो कुख्यात हो सकता था। मैं उस अभिनेत्री से मुझे क्या दिक्कत हुई, वो क्या कर सकती थी, क्या बन सकती थी देश के लिए, सुनिएगा। कि नीर बन दूसरों की पीर हर ना सकी तो, सरिता की सूखी मांझ रहती तो ठीक था, वो अभिनेत्री उसको सीखना चाहिए था हमारी माताओं बहनों से, हम लोग क्या क्या नाम रखते हैं। कि नीर बन दूसरों की पीर हर ना सकी तो, सरिता की सूखी मांझ रहती तो ठीक था, और कोयल की कूक से तराने गूंज ना सकी तो, बेसुरी सी कोई झांझ रहती तो ठीक था, और सूर्य रश्मि कर अंधकार ना मिटा सके तो, सूर्य रश्मि कर अंधकार ना मिटा सके तो, ऐसी भोर से तो सांझ रहती तो ठीक था, और कोख जो तैमूर और कसाब पैदा करती हो, कोख जो तैमूर और कसाब पैदा करती हो, ऐसी कोख से तो बांझ रहती तो ठीक था। और एक छंद अपनी बहनों के लिए और पढ़ती हूँ, क्या है नारी का नारीत्व। जब ये पुलवामा के शहीदों को हम लोग आज स्मरण कर रहे हैं तो उस वीरांगना का भी यहाँ पे मैं एक सम्मान चाहती हूँ, उस वीरांगना का सम्मान कर दीजिएगा, मैं पढ़ने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। कि नारी के नारित्व की प्रशंसा करूं बार बार, अजर अमर वो कहानी याद आएगी। कि नारी के नारित्व की प्रशंसा करूं बार बार, अजर अमर वो कहानी याद आएगी। लोहू में नहाई और खेली तलवार संग, देश पे मिटी थी वो जवानी याद आएगी। और पीठ पर बांध कर पुत्र को चलाई तेग, पीठ पर बांध कर पुत्र को चलाई तेग, बलिदान को भी बलिदानी याद आएगी। और हिंदुस्तान की विशाल बलिदान श्रृंखला में, हिंदुस्तान की विशाल बलिदान श्रृंखला में, बार बार झांसी वाली रानी याद आएगी, बार बार झांसी वाली रानी याद आएगी। और अंतिम छंद इस श्रृंखला का, बहुत से छंद है लेकिन समय जैसा कि कम है, इस श्रृंखला का अंतिम छंद पढ़ती हूँ। अगर बेटी, ये बेटियां शिष्ट पे नहीं होंगी, कहाँ से ये पन्ना धाय बनेंगी, कहाँ से इंदिरा गांधी बनेंगी, कहाँ से ये झांसी की रानी बनेंगी, लक्ष्मीबाई बनेंगी। बेटियां शिष्ट पे नहीं होंगी तो परिणाम क्या होगा, मैं परिणाम बताती हूँ। और आपके हर घर में बेटी होगी, आपके पड़ोस में बेटी होगी, उस बेटी का सम्मान कर दीजिएगा, सुनिएगा।
कि सूरज को पूजते हो रोशनी को मारते हो जीवन में सिर्फ अंधियारे रह जाएंगे। कि सूरज को पूजते हो रोशनी को मारते हो जीवन में सिर्फ अंधियारे रह जाएंगे। और आग में दहेज की जो झोंकते रहे इन्हें तो आंगन में खोखले नजारे रह जाएंगे। कि आग में दहेज की जो झोंकते रहे इन्हें तो आंगन में खोखले नजारे रह जाएंगे। धरती पे यदि कहीं बेटियां न जन्म लेंगी, धरती पे यदि कहीं बेटियां न जन्म लेंगी, एक रोज सोने घर द्वारे रह जाएंगे। और बेटियों का कोख में जो मारना न बंद हुआ, बेटियों का कोख में जो मारना न बंद हुआ, लाडले ये आपके कुंवारे रहे, लाडले ये आपके कुंवारे रह जाएंगे, लाडले ये आपके कुंवारे रह जाएंगे। बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना। हमारे जो बेटे बैठे हुए हैं, युवा बच्चे जितने भी हैं, वो लोग सोच रहे हैं बेटियों के लिए पढ़ा जा रहा, हमारे लिए कुछ नहीं पढ़ा जा रहा। लेकिन एक मैं चाहती हूँ कि अगर बेटियां झांसी की रानी बने, इंदिरा गांधी पन्नाधाय बने, तो बेटे कैसे होने चाहिए। एक नाम का प्रस्ताव आपके बीच में लेके आती हूँ, उस नाम का सम्मान कर दीजिएगा। आप लोग सहमत हो तो भी, न सहमत हो तो मेरा मन रखने के लिए कि बेटे कैसे होने चाहिए। बड़ी वो चर्चा हुई कि घर घर से अफजल निकलेगा, अगर आपके यहाँ से अफजल निकलेगा तो हमारे यहाँ से भी कुछ न कुछ तो निकलेगा ही। मैं एक मुक्तक पढ़ती हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। छिपे जो दिल में बैठे हैं हमारे डर से निकलेंगे, छिपे जो दिल में बैठे हैं हमारे डर से निकलेंगे, सरों पर बांध कर भगवा जब भी हम घर से निकलेंगे, सरों पर बांध कर भगवा जब भी हम घर से निकलेंगे। अगर घर घर से अफजल जे से आतंकी निकालोगे, अगर घर घर से अफजल जे से आतंकी निकालोगे, हमारी कोख से बेटे बिसावर कर से निकलेंगे, हमारी कोख से बेटे बिसावर कर से निकलेंगे, पर बांध कर भगवा जब भी हम घर से निकलेंगे। और अभी जब ये एनआरसी ये सब ये जो आया, तब वो पता नहीं क्या क्या एक बड़े शायर, उसका तो नाम लेना मैं नहीं चाहती हूँ क्योंकि उसके नाम से भी मुझे बड़ी आपत्ति है। उसने जैसे ही वक्त मिला, उसे मौका मिला, उसने जहर उगलने में कोई भी कमी नहीं रखी। इस देश की वो खाते रहे और इस देश उन्हें बड़ी परेशानी रही। एक मुक्तक पढ़ती हूँ, सुनिएगा उनकी लेखनी क्या करती है और हम कवियों की लेखनी क्या करती है, ये अंतर है हम में उनमें। जी स्वागत। हम कवि क्या लिखते हैं जी? शहीदों की शहादत का सदा यश गान लिखती हूँ, शहीदों की शहादत का सदा यश गान लिखती हूँ, मैं अभिनंदन से अभिनंदन का गौरव गान लिखती हूँ, मैं अभिनंदन से अभिनंदन का गौरव गान लिखती हूँ। तुम्हारी लेखनी अभ्यर्थना करती सियासत की, तुम्हारी लेखनी अभ्यर्थना करती सियासत की, मैं अपनी लेखनी से सिर्फ हिंदुस्तान लिखती हूँ, मैं अपनी लेखनी से सिर्फ हिंदुस्तान लिखती हूँ। और अगर उनको उन महाशय को इतनी ही दिक्कत है हमारे देश से, तो चार पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। हमारे स्वर उठे तो देश के यश गान को जाए, हमारे स्वर उठे तो देश के यश गान को जाए, हमारी प्रार्थनाएं देश हित भगवान को जाए, हमारी प्रार्थनाएं देश हित भगवान को जाए। मगर जो खाए इस थाली में इसमें छेद भी कर दे, मगर जो खाए इस थाली में इसमें छेद भी कर दे, जिन्हें भी पाक से हो प्यार पाकिस्तान को जाए, जिन्हें भी पाक से हो प्यार पाकिस्तान को जाए। और चार पंक्तियां और पढ़ के अपना स्थान लेती हूँ। जब ये एयर स्ट्राइक हुआ और हमारे मोदी जी पर, माननीय प्रधानमंत्री जी पर तरह तरह के प्रश्न उठाए गए, उन्होंने मौन धारण कर लिया। वो लोग कौन है जिन्होंने प्रश्न उठाए, ये चार पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुनिएगा।
जिसके जो मन में आए बोले कैसी मनमानी है, जिसके जो मन में आए बोले कैसी मनमानी है। भाषा हिंदुस्तानी है पर नीयत पाकिस्तानी है, भाषा हिंदुस्तानी है पर नीयत पाकिस्तानी है। जिसको जो कहना हो कहले पर अंजाम दिया हमने, जिसको जो कहना हो कहले पर अंजाम दिया हमने। हमें पता है शत्रु दलों का काम तमाम किया हमने, हमें पता है शत्रु दलों का काम तमाम किया हमने। जो घर में घुस करके दीपो गहरी चोट न भूलेगा। और ये पुलवामा हमले के बाद क्या हुआ वो घटना आप लोग याद करिए। उस स्थान का नाम लेके आती हूँ, उस नाम में आप लोग तालियां बजा दीजिएगा, पढ़ती हूँ सुनिएगा। जो घर में घुस करके दीपो गहरी चोट न भूलेगा, जो घर में घुस करके दीपो गहरी चोट न भूलेगा। कुछ भी कह लो लेकिन दुश्मन बाला कोट न भूलेगा, कुछ भी कह लो लेकिन दुश्मन बाला कोट न भूलेगा, कुछ भी कह लो लेकिन दुश्मन बाला कोट न भूलेगा। और इस काव्य पाठ के अपनी अंतिम चार पंक्तियां और पढ़ती हूं। एक बार आपसे आह्वान, एक बार जोरदार तालियों से तालियों का महोत्सव बना दीजिए। हमारी सरकार ने जो किया वो अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ, सिर्फ चार पंक्तियां और रखती हूँ सुनिएगा। अभी तक ऐसा नहीं हुआ और अब क्या कैसे हुआ, क्या हुआ सुनिए। जो अपने बाहुबल में इतना ना जतन ला सके थे, जो अपने बाहुबल में इतना ना जतन ला सके थे, जो अपने बाहुबल में इतना ना जतन ला सके थे। सर्वजीत को भी जिंदा रहते ना बतन ला सके थे, सर्वजीत को भी जिंदा रहते ना बतन ला सके थे। माटी के सम्मान का हमने चंदन लाकर दिखा दिया। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या करके दिखाया, एक नाम लेके आती हूँ, उस नाम का सम्मान करके मुझे विदाई कर दीजिएगा। उस नाम का सम्मान भरपूर हाथ ऊपर उठा के कर दीजिएगा सुनिएगा। माटी के सम्मान का हमने चंदन लाकर दिखा दिया, माटी के सम्मान का हमने चंदन लाकर दिखा दिया, माटी के सम्मान का हमने चंदन लाकर दिखा दिया। दो दिन में ही भारत का अभिनंदन लाकर दिखा दिया, दो दिन में ही भारत का अभिनंदन लाकर दिखा दिया, दो दिन में ही भारत का अभिनंदन लाकर दिखा दिया। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वाह।